इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक पार्टी न होकर चौधरी देवीलाल के विचारों और उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का एक परिवार है, जिसमें कार्यकर्ता ने हर मुश्किल घड़ी में पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। चौधरी देवीलाल ने इस पार्टी को बनाया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला INLD सुप्रीमो ने इस वटवृक्ष को बड़ा किया। राम लखन जैसे भाई चौधरी अभय सिंह और चौधरी अजय सिंह चौटाला ने खून पसीने से सींच कर इस वटवृक्ष को बड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को साजिशन जेल भेजने के बाद ये कार्यकर्ताओं की फौज ही थी जिसने पार्टी को ना टूटने दिया ना बिखरने दिया, अपितु पार्टी और मजबूत होकर आगे बढ़ी और इसका नेतृत्व किया जन नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जिन्होंने वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी में पूरे परिवार को और INLD के करोड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चला। लेकिन अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला और युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और एक परिवार को इस वटवृक्ष के अलग करने की कोशिश की जा रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी के संपर्क में है, लेकिन ये परिवार न टूटा है न बिखरेगा। इस परिवार की ताकत वो करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार रहते हैं। INLD एक परिवार है और इसमें कभी भी पद पार्टी से बड़ा नहीं रहा। चौधरी अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला इसके उदाहरण हैं और करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी की ताकत हैं जो समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते रहते हैं। INLD के कार्यकर्ता की यही ख्वाहिश है कि राम लखन की ये जोड़ी ना कभी टूटे और हमेशा उनके बीच में रहे चौधरी देवीलाल के लगाए इस वटवृक्ष को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को और मजबूती प्रदान करे और आगे बढ़ने का हौसला और साहस प्रदान करता रहे। ये ना टूटी है।